हर महीने कर्मचारियों की बनने वाली पेंशन अब कोषागार के आहरण वितरण अधिकारी नहीं बल्कि विभागों में तैनात आहरण वितरण अधिकारी ऑनलाइन बनाएंगे। सभी पुलिस प्रशासनिक विभागों में तैनात आहरण वितरण अधिकारियों को विकास भवन के स्वच्छता सभागार में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कोषागार विभाग में तैनात अधिकारियों ने आहरण वितरण अधिकारियों को IPO सिस्टम के DDO पोर्टल पर काम करने की जानकारी दी, ट्रेनिंग दी। मुख्य कोषाधिकारी राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में आहरण वितरण अधिकारियों को बताया कि इस पोर्टल का लिंक लखनऊ से है, जिसमें हर महीने आहरण वितरण अधिकारियों को अपने कार्यालय में तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा देना होगा, जिसके बाद ही कर्मचारियों को उनकी पेंशन मिल सकेगी। आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नया सिस्टम वेतन बिल के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है, उसके लिए सभी आहरण वितरण अधिकारियों को आज यहां आमंत्रित किया गया है। IPO सिस्टम में DDO पोर्टल, अभी तक वेतन बिल असल में कोषागार द्वारा बनाए जाते थे, प्रत्येक माह का वेतन बिल जो होता था वो कोषागार बनाता था। अब ये वेतन बिल जो है स्वयं जो आहरण वितरण अधिकारी हैं अपने कार्यालय में बनाएंगे और ये ऑनलाइन वेतन बिल बनाए जाएंगे और इसको जो है सीधे अपने कार्यालय में बना करके तब फिर प्राप्त करा दिया। अब उनको आहरण वितरण अधिकारियों को या उनके स्टाफ को यहाँ आने की आवश्यकता कोषागार में नहीं पड़ेगी, केवल वेतन बिल पास कराना होगा। इससे भविष्य में मैं समझता हूँ काफ़ी पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्त जितनी सूचना है ये अपने स्तर पर ये मेंटेन कर पाएंगे, ऑनलाइन होगा सब कुछ, जो है रियल टाइम में होता रहेगा, तत्काल जो है ऑनलाइन ही होता रहेगा। इसका सेंट्रल सर्वर से लिंकेज कर दिया गया है, लखनऊ स्तर पर ही सारा कुछ इस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई संशोधन इत्यादि जो होता है वो वहाँ मेंटेन हो जाएगा। जब से हमने सिटी हलचल पर गुरुकुल का गुरु घंटाल चलाया है, तब से हमारे सामने रोज ही प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें आ रही हैं। जी हां, 23% तक फीस में इजाफा हुआ है और वहीं पर शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिल रहा है चार चार महीने में। इस सभी पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, हम जरूर आपको दिखाएंगे प्राइवेट स्कूलों में मचा हुआ घमासान। लेकिन अभी तो आपको दिखाने जा रहे हैं कि मनमाने तरीके से फीस वसूलने को लेकर बच्चों का अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा, लिहाजा उन्होंने इन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। बच्चों के अभिभावकों ने मेरठ पब्लिक स्कूल्स गर्ल्स विंग वेस्टर्न रोड के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिए कारगर प्रयास किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपने तुगलकी फरमानों के जरिए अभिभावकों का शोषण कर रहा है। बता दें कि MPGS मैनेजमेंट तमाम आदेशों को ताक पर रखकर मनमानी फीस धड़ल्ले से वसूल रहा है। इसी के चलते परिजनों का आक्रोश देखते ही बना। हालांकि काफी देर चले हंगामे के बाद स्कूल मैनेजमेंट सामने नहीं आया, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है, जिसके बाद प्रिंसिपल को सामने आना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों का कहना था कि स्कूल मैनेजमेंट ने उनकी मांगों को मान लिया है और फीस में 50% तक की छूट दी है। तो अभिभावकों, ये जीत आपकी है, ये जीत कानून की है, ये जीत नई योगी सरकार की है और कहीं कहीं धन्यवाद का पात्र MPGS का प्रबंधन सिस्टम भी है। आज हम लोग अभिभावक सब इकट्ठे होकर मिले थे, दो बार इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन आज मैनेजमेंट से मिलना था, लेकिन मैनेजमेंट ना आकर प्रिंसिपल को हायर कर इन लोगों ने 50% डेवलपमेंट कर दिया है। जो 4700 रुपये था वो 2400 रुपये है और 2400 रुपये भी दो बार में हम लोगों को देना है, 1200 रुपये 11th में और 1200 रुपये 12th में, और फीस वृद्धि में कुछ कोई कमी नहीं करी गई है। जो फीस वृद्धि की गई थी वो बराबर के बराबर है, जो कम होनी थी। हमारी मांग फीस वृद्धि को लेकर थी और डेवलपमेंट चार्ज पूरा खत्म हो। हमारा जो मेन मकसद जो था हमारा ये था कि डेवलपमेंट चार्ज पूरा खत्म हो जाए और जो है फी रिड्यूस हो जाए। फी में कोई इन्होंने कोई चेंज नहीं कर पाए। हमारा जो मेन था, हमें शास्त्री जी से मिलने का था कि जी वो लोग हमें यहाँ पूरा आश्वासन दें, लेकिन वो हमारे यहाँ सामने अब भी नहीं आए। और प्रिंसिपल साहब को इन्होंने अपना मेन वो प्रतिनिधि नियुक्त करके
उन्होंने हमें आश्वासन अब दिया है और लिख के दे दिया है कि जो एनुअल वो था डेवलपमेंट चार्ज आए वो जो हम दो पार्ट में आप चलेंगे और वो 50% रिड्यूस करके दिया है। अब आधा हमें जो जमा करना है वो 1200 रुपये जो है 11th में जमा करना है और 1100 ही जमा होगा जो 12th क्लास में होगा। जो फी वृद्धि हुई है लेकिन उसमें उन्होंने कोई कंसेशन नहीं करा। सिटी हलचल में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, बने रहिए सिटी हलचल पर।